देखिए जी, एक पाकिस्तानी लड़के का वीजा निकला है, पाकिस्तानी वीजा। अगर आप उसकी अपडेट जानना चाहते हैं यूएई में और इंडिया से यूएई, इंडियंस के लिए भी अपडेट है क्योंकि इंडियन को भी रोका जा रहा है एयरपोर्ट में, तो उनके रिलेटिव भी इंफॉर्मेशन है। और इसी वीडियो में दोनों के रिलेटिव, पाकिस्तान और इंडिया में जो वीजे का इशू है उसके रिलेटेड हम बात करने वाले हैं। इसमें जो इंडियंस हैं और पाकिस्तानी लड़के का वीजा निकला है, कैसा निकला है सारी डिटेल्स बताता हूँ। जो इंडियंस हैं, मैंने आपको याद होगा पहले वीडियो बनाई थी पाकिस्तानियों के लिए कि आप जब जाते हैं एयरपोर्ट पर तो आपको ये चीजें शो करनी होगी अगर आप यूएई में इंटर होना चाहते हैं। उसके लिए जो है वो इंडियंस के लिए भी सेम रूल बन गया जी, कि इंडियंस को अगर आपने जाना है जी यूएई, तो यूएई के लिए आपका क्या चाहिए होगा, 3,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए, शो मनी जिसे कहते हैं, और रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक है, अगर आप यूएई जाते हैं। ये विजिट वीजा, इंडियन विजिट वीजा के लिए ये प्रोसीजर है कि अगर आप इंडिया से यूएई विजिट वीजा पर आना चाहते हैं तो 3,000 3,000 दिरहम्स आपके पास शो मनी होनी चाहिए। उसके बाद आपका जो रिश्तेदार है या आपका दोस्त है या कोई भी एजेंसी आपको बुला रही है, उसका एमरस आईडी, और उसके बाद उसका जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जो होता है, टेनेंसी मतलब जो टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे वो रह रहा है, जहाँ पे रेंट पे वो रह रहा है, तो रेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट उसे बोलते हैं, तो वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट की जो आपके पास फोटो कापी वगैरह, या वो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट आपके पास होना चाहिए, और आपकी जो उस बंदे की एमरस आईडी आपके पास होनी चाहिए अगर आप यूएई में इंटर होना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर उसकी आईडी और उसका जो टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट, या आप जिस होटल पर रह रहे हैं तो होटल की रिजर्वेशन, होटल की बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, और 3,000 दिरहम होना चाहिए अगर आप इंडियन है। पाकिस्तानियों के लिए भी सेम सिस्टम है। पाकिस्तानी अगर आप विजिट वीजा पर आना चाहते हैं पाकिस्तान से यूएई, या इंडियन आना चाहते हैं इंडिया से यूएई विजिट वीजा पर, तो ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है कि 3,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए, शो मनी जो आपको चेक की जाएगी एयरपोर्ट पर, वो इंडिया एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान एयरपोर्ट पर, या यूएई एयरपोर्ट पर कहीं भी चेक की जा सकती है, ठीक है। तो 3,000 दिरहम, उसके बाद टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट जिस बंदे के पास आप जा रहे हैं उसका, या होटल की रिजर्वेशन अगर आप होटल में रहना चाह रहे हैं, और उसके बाद जी उसकी एमरस आईडी। क्योंकि ये जो इंडियन बंदा है उसने न्यूज पे बताया कि वो कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गया तो उसको बोर्डिंग के लिए अलाउ नहीं किया गया, क्योंकि उसको ये सारी चीजें मांगी है। उसको बताया गया कि इंडिया से यूएई अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको ये चीजें रिक्वायर्ड होती हैं विजिट वीजा के लिए, तो आप अगर हैं तो आप भी, और पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानियों के लिए भी सेम प्रोसीजर है। और ये बंदे का वीजा कैसे निकला, ये बंदा 12वीं पास है और ये अनस्किल्ड वर्कर है, देखा जाए तो 12वीं पास है, पर यह कि इसका जो वीजा लगा है ये आप सामने देखें, ये उसका वीजा है, और ये वीजे की डेट क्या है जी, ये 29/5 यानी 29 को निकला है, आज से कोई 2 दिन पहले मेरे ख्याल में ये वीजा निकला है उसका, तो ये वैलिडिटी है जी 27/7 तक। तो इसका ये होता है कि ये एक किस्म का एंट्री परमिट आप कह सकते हैं, कि जब आप एंट्री करते हैं उसके बाद मेडिकल होता है, मेडिकल होके आपका नया वीजा लग जाता है। तो ये वीजा उसने निकाला है और ये 12वीं पास है, पर इसका जो प्रोफेशन है उसकी कंपनी ने क्या लगाया, सेल्स ऑफिसर, और उसको जॉब भी यही मिली है सेल्स ऑफिसर की। ये बंदा सेल्स ऑफिसर की जॉब के लिए अपॉइंट हुआ है यहाँ पर। अगर आप 14वीं पास हैं तो आपके वीजे निकल रहे हैं, उसके बाद 12वीं पास के भी वीजे निकल रहे हैं। उसका प्रोसीजर क्या है, वो यही है, आपका ओनर अगर अप्लाई करेगा तो वो वीजा निकल सकता है, या तो आपकी कंपनी खुद अप्लाई करेगी या कंपनी के पास कोटा सिस्टम है। अभी इसमें दो चीजें हैं, एक तो कोटा सिस्टम है तो सही है, अगर कोटा सिस्टम नहीं है तो कंपनी जो है वो, अगर आप बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए तो कंपनी आपके लिए कोटा इंक्रीज करवा सकती है, वो रिक्वेस्ट करके, या जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल करके, इमिग्रेशन के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करके आपका कोटा सिस्टम जो है वो इंक्रीज करवा सकती है, उसके बाद आपका वीजा निकल सकता है। नॉर्मली कंपनियां क्या करती हैं, वो जी आप देखती हैं कि हाँ जी चलो उनके पास और भी वर्कर हैं, ये भी आयरिंग कर रहे हैं, वीजा रिजेक्ट हो गया, बोलेंगे जी कोटा सिस्टम है इसलिए ये रिजेक्ट हो गया, वीजा नहीं लग रहा। पर यह कि अगर आप कंपनी आपकी अगर चाहे, आपका ऑनर चाहे, उसके पास कोटा है या नहीं है, वो आपका वीजा निकलवा सकता है, चाहे वो इंक्रीज करके कोटा सिस्टम में जो लिमिट है उसको इंक्रीज करके भी वो निकलवा सकता है। और वैसे जो है वो ये इस तरह का डेजिग्नेशन, जैसे इसको सेल्स ऑफिसर का डेजिग्नेशन दिया हुआ है, तो सेल्स ऑफिसर ये एक स्किल वर्कर में आता है सेल्स ऑफिसर, तो उसका जो है वो इसको डेजिग्नेशन देके इसका वीजा निकाला गया है। और ये जो डेट है जी 29/5, यानी कि 2 दिन पहले इसका वीजा निकला है, तो पाकिस्तानियों के भी वीजे निकल रहे हैं। उसमें ये चीज है जो मैंने पहले आपको बताई थी कि अगर आप विजिट वीजा पे आते हैं वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करें, पर ये कि विजिट वीजा से एम्प्लॉयमेंट वीजा लगना मुश्किल होता है थोड़ा, वो देख लें। फ्री जोन कंपनी है उसमें आप अप्लाई करें, फ्री जोन सेमी गवर्नमेंट कंपनी होती है, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी है, ट्रांसगार्ड है, वर्ल्ड सिक्योरिटी है, कोई होटल है बड़ा फ्री जोन होटल, या फ्री जोन की जो अपनी कंपनियां होती हैं, उन सारी कंपनियों के लिए अगर आप वीजा निकलवाते हैं वो वीजा निकलते हैं।
उसके बाद जो आपका एम्प्लॉयमेंट वीजा है ना, ये कंपनी टू कंपनी, एक चीज और भी है ये, इसका वीजा निकलने की दूसरी वजह ये भी है कि इसने जो है वो इधर कंपनी से रिजाइन किया और रिजाइन करके दूसरी कंपनी में अप्लाई किया। तो अगर आप पाकिस्तानी हैं, इंडिया में कोई भी है, अगर आप यहाँ से रिजाइन करते हैं एक कंपनी से, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ, वहां से रिजाइन करके दूसरी कंपनी में मुझे जॉब मिली है, तो इस कंपनी से रिजाइन करके दूसरी कंपनी में मेरा वीजा लगेगा अगर मैं पाकिस्तानी हूँ या कोई भी। पाकिस्तानियों के वीजे भी सेम सिस्टम है कि आप अगर कंपनी टू कंपनी चेंज कर रहे हैं तो वो आपका लगता है। अगर आप किसी अरबी के घर में, जो इधर के लोकल है उसके घर में, अगर वो आपको स्पॉन्सर करता है तो भी वीजा निकल सकता है। या तो आप वैसे वीजा निकलवाना चाहें जिसको आपकी जुबान में आजाद वीजा कहते हैं, पर आजाद होता नहीं है यहाँ पे, तो वो वाला वीजा निकलवाना चाहे, वो भी वीजा निकल रहे हैं। इस तरह से मतलब यह कि आप वीजे सारे निकलवा सकते हैं, और वीजे जो है वो लग रहे हैं अभी, बिल्कुल बैन नहीं है, बिल्कुल रिस्ट्रिक्शन वाला कोई सीन नहीं है, यह कि वीजे निकलते भी हैं। हाँ, कुछ बैन सिटीज का कोई पूछ रहा था, तो ये कि कुछ सख्तियां हैं, कुछ नरमी है, बस इस तरह का सिस्टम है। बहरहाल यह कि ये सारी अपडेट्स हैं। ये बंदे का जो वीजा निकला है उसका यही है कि कंपनी टू कंपनी आपका चेंज हो रहा है। मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए वीडियो दिखा रहा था, तो ये कंपनी टू कंपनी, और दूसरा आपका अगर प्रोफेशन कोई सही लिखेगा, बड़ा प्रोफेशन लिखेगा, तो भी आपका वीजा इशू होगा। उसके बाद अगर आपकी कंपनी के पास कोटा सिस्टम है तो आपका वीजा इशू होगा, चाहे आप पाकिस्तानी है या नहीं। और उसका यह है कि अगर आपकी कंपनी के पास कोटा सिस्टम नहीं भी है, अगर कंपनी निकलवाना चाहे तो कोटा सिस्टम में इंक्रीमेंट करवा कर निकलवा सकती है। बाकी है कि ऑफिशियल जो है वो बेहतर आपको बता सकते हैं, उनकी जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है, यूएई की इमिग्रेशन है, पाकिस्तान की इमिग्रेशन है, उनकी वेबसाइटें चेक करें। मैंने आपको वेबसाइटें सारी पिछली वीडियोज में बताई हुई है, उनमें चेक करके आप ऑफिशियली जो वो ये चीज़ें कंफर्म कर सकते हैं कि क्या क्या प्रोसीजर होता है सारा उनका। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करते हैं ताकि नेक्स्ट जो वीजा के रिलेटेड या जो इंटरव्यूज के रिलेटेड, हाँ इंटरव्यू से याद है, नेक्स्ट वीडियो जो है वॉकिंग इंटरव्यूज है एक दो कंपनी में, उसके रिलेटेड है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियो आप मिस ना कर सकें। अपना ख्याल रखिएगा, लाइक करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफिज़।